जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के लिए अपने सेकेंड हैंड मिलिट्री इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर कर रहा है जापान विचार। पाकिस्तानी मीडिया का दावा कि इंडियन हैकर्स ने टारगेट किया है पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिशियंस को। इंडियन ओशन में चीन पर दबाव बनाने के लिए लक्षद्वीप में बनाएगा भारत एक नई एयर स्ट्रिप। नेटो सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक यूक्रेन में रशिया द्वारा परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की संभावना है बेहद ही कम। और अब सीपैक परियोजना पर काम कर रहे चाइनीज वर्कर्स को पाकिस्तान देगा बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। जापानीज मीडिया के मुताबिक जापानी सरकार अपने कुछ सेकेंड हैंड मिलिट्री इक्विपमेंट जिनमें टैंक्स और मिसाइल्स भी शामिल हैं, तो इन इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट पर लगे रिस्ट्रिक्शंस में कुछ छूट देने पर विचार कर रही है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जापानी सरकार अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को कुछ एशियन कंट्रीज को सप्लाई करने की संभावनाओं को भी देख रही है, और इन एशियन कंट्रीज में भारत, वियतनाम और फिलीपींस भी शामिल हैं। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जापान इन एशियन कंट्रीज को डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को सप्लाई करना स्टार्ट कर सकता है, और दूसरे कंट्रीज के लिए अपने सेकेंड हैंड मिलिट्री इक्विपमेंट को सप्लाई करने का जो प्रावधान है तो इसे अपडेटेड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में शामिल किया गया है, जिसे इस साल के अंत तक जापानी सरकार द्वारा रिलीज किया जा सकता है। और सोर्सेज का ये कहना है कि चीन की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर के बीच जापान का ये फैसला इस रीजन में दूसरे कंट्रीज के साथ उसके मिलिट्री कोऑपरेशन को और मजबूत करेगा। और इन सेकेंड हैंड मिलिट्री इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने को लेकर कुछ छूट मिलती है तो फिर ये फिस्कल ईयर 2023 के अंत तक लागू किए जाएंगे। बाकी अभी वर्तमान समय में जापान के कानून के मुताबिक जापान केवल कुछ ही कंडीशंस में अपने सेकेंड हैंड मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आरोप है कि भारत इमरान खान की स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करने के लिए। और इसके साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह भी कहना था कि इमरान खान अपने फॉल्स और चीप कॉन्स्पिरेसीज के माध्यम से देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ एक नेगेटिव नैरेटिव्स को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को ध्यान होगा कि अभी जो इमरान खान पर हमला हुआ था तो उस हमले के लिए इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी जिम्मेदार ठहराया था। और इमरान खान द्वारा पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्सपोज किए जाने के बाद फिर कल पहले तो पाकिस्तान ने इमरान खान को सभी टीवी चैनल, सभी पब्लिक स्पेसेस से बैन कर दिया था, लेकिन उससे कुछ ही देर बाद उन्होंने खुद ही वो बैन हटा भी दिया। और जबकि आज रविवार को इमरान खान की तरफ से इस बात का भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस ISI DG मेजर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ उनके FIR को दर्ज करने से मना कर रही है। और इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तक कहा है कि पुलिस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए तैयार है, लेकिन ISI के DG के खिलाफ नहीं। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान की मिलिट्री जल्द ही इमरान खान को रा का एजेंट भी घोषित कर देगी। बाकी पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट ये भी देखने को मिली है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में स्थित कुछ हैकर्स ने पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, मिलिट्री ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स को टारगेट किया है। हालांकि अगर आप इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कुछ और नहीं बल्कि ISI का एक नया प्रोपेगेंडा है। भारत के सीनियर स्पेस साइंटिस्ट का कहना है कि ग्लोबल स्पेस कॉरपोरेशन भारत के स्पेस प्रोग्राम का एक इंटीग्रल हिस्सा है, और भारत उस आइडिया को भी सपोर्ट करता है जिसमें स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलावा एक और सेंटर के लिए सभी देश एक साथ आएंगे। इसके अलावा न्यूज 18 की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में करीब 2500 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप को बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिसकी मदद से यहां से बड़े साइज के इंडियन एयरफोर्स और कॉमर्शियल दोनों ही तरह के एयरक्राफ्ट टेक ऑफ भी ले सकें। और ये जो परियोजना है इसे रणनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि जो मिनिकॉय आइलैंड है तो ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर नज़र रखने में काफ़ी मदद करेगा, और इसे टूरिज्म के साथ एरिया डोमिनेशन भी मजबूत होगा। और मिनिकॉय कोची के सबसे करीब का आइलैंड है, और यहाँ पे जो 2500 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप को बनाने की योजना चल रही है तो ये भारत को उस वाटर एरिया को भी चेक करने में मदद करेगा जिसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान भी कर रहे हैं। बाकी न्यूज 18 की रिपोर्ट में सीनियर ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि इस परियोजना को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है, और अब इसके लिए जो बजट है वो भी जल्दी फाइनल किया जाएगा। इस परियोजना में सिविल एविएशन, होम मिनिस्ट्रीज, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, तो इन सभी के सजेशंस लिए गए हैं, और इसके अगले 5 सालों के अंदर कंप्लीट होने की उम्मीद है। बाकी बता दें कि लक्षद्वीप का जो एयरपोर्ट है तो वहाँ पे कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की मूवमेंट काफ़ी लिमिटेड रहती है, और इसे श्रीनगर की तरह ही इंडियन एयरफोर्स ही ओन करती है। बाकी रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से भी बताया गया कि पहले आइडिया ये था कि यहाँ पर एक छोटी एयर स्ट्रिप को बनाया जाए, लेकिन फिर बाद में इस आइडिया को बदल दिया गया ताकि सभी तरह के एयरक्राफ्ट यहाँ से ऑपरेट कर सकें। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मिनिकॉय आइलैंड में भारत के पास एक लॉन्ग एयर स्ट्रिप वाला एयरपोर्ट होने के कई सारे फायदे हैं, और सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि यहाँ पे मौजूद एयर स्ट्रिप चीन के उस सपने को भी तोड़ देगी जिसमें चीन पाकिस्तान की मदद के साथ यहाँ के सी रूट्स पर अपना डोमिनेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि रशिया द्वारा यूक्रेन में न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने की संभावना बेहद ही कम है,
लेकिन अलायंस इसको बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि अगर इस दौरान कोई परमाणु हमला होता है तो उसके परिणाम बेहद ही विनाशकारी होंगे। और इसी के साथ उनका यह भी कहना था कि नेटो इस बात को क्लियर करना चाहता है कि परमाणु युद्ध में कोई भी विजेता नहीं होता है। बाकी इसके अलावा, जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि ईरान के ऑफिशियल्स ने इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने रशिया को ड्रोन सप्लाई किए हैं। हालांकि वो ड्रोन्स यूक्रेन और रशिया का विवाद शुरू होने से पहले सप्लाई किए गए थे, लेकिन ईरानियन ऑफिशियल्स के इस बयान के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति एडवाइजर का यह कहना है कि ईरान ने रशिया को ड्रोन सप्लाई किए हैं, तो इसके चलते ईरान पर स्ट्राइक्स करना बेहद जरूरी है। और उन्होंने ईरान के ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ऐसी बाकी के इधर प्रोडक्शन लाइंस पर स्ट्राइक करने की बात कही है, ताकि ईरान भविष्य में रशिया को इस तरह के कोई वेपन सप्लाई ना कर सके। साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम में रिसर्च डायरेक्टर की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कि चीन जिस तरीके से नेपाल की जमीन पर कब्जा करता है, उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, तो अक्सर नेपाल की सरकार द्वारा चीन की इस हरकत को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, और जिस वजह से हिमालय में चीन की विस्तारवादी सोच को एक और बढ़ावा मिलता है। और इसलिए अब यह बहुत जरूरी है कि नेपाल की गवर्नमेंट को चीन की इन सभी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और चीन जिस तरीके से नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है तो उसको लेकर जागरूक होना चाहिए। और इसके साथ में इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नेपाल इसके अलावा एक और चीज कर सकता है कि वो अपने साउथ एशियन नेबर्स के साथ कोलैबोरेट करे, खास करके वो नेबर्स जो कि चीन की विस्तारवादी वाली चुनौती के लिए एक कॉमन अप्रोच रखते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट कोलकाता से सामने आया है, और वो ये है कि कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक 20 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मोनिरुद्दीन खान के तौर पर हुई है, और इस पर आरोप है कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मेंबर था और ये ऑर्गेनाइजेशन को लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। बाकी आतंकियों से याद आया कि अभी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन गए थे और चीन ने वहां पर पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान में सीपैक परियोजना पर काम कर रहे चाइनीज नेशनल्स की सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाया था और उस पर अपनी चिंता भी व्यक्त करी थी, तो अब चीन के आदेश पर पाकिस्तान और चीन इस बात पर सहमत हुए हैं कि सीपैक परियोजना पर काम करने वाले चाइनीज वर्कर्स की आउटडोर मूवमेंट के लिए बुलेट प्रूफ व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इस दौरान पाकिस्तान ने चीन से रिक्वेस्ट करी है कि वो इस्लामाबाद में नेशनल फॉरेंसिक साइंस लैब के फुल अपग्रेड में उन्हें सपोर्ट करे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर के पुंछ और केजी सेक्टर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायक टी राजेंद्र नारायण और सिपाही गुरसेवक सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर के अगर विलेज में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही ब्रह्मापाल सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे, और मरणोपरांत उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1987 में ऑपरेशन पवन के दौरान सिपाही बचित्र सिंह ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था, और मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का सवाल, अभी हाल ही में इंडियन आर्मी द्वारा कंडक्ट की गई सबसे बिगेस्ट एयरबॉर्न एक्सरसाइज का नाम क्या था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।